रजनी सिंह होम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आलू के पापड़, और इन आलू के पापड़ को हम तीन तरीके से बनाएंगे, और इनको बनाने का मैं आपको तरीका दो तरीका बताऊंगी ये कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए, हमने आलू उबाल लिए हैं। आलू हमने छोटे साइज के ही लिए हैं, इसको जो है पीसने में आसानी रहती है। और इसमें मिलाने के लिए हमने देखी लिया है अजवाइन, जीरा खड़ा है, ये जीरा खड़ा है, और ये लाल मिर्च का पाउडर हमने घर ही में पीस के बनाया है। ऐसा बना के रखने से जो है पापड़ हमारे ख़राब नहीं होते हैं, सालों चलते हैं। और यह कसूरी मेथी, और इसमें डालने के लिए हमने सेंधा नमक लिया है। इसको डालने से हम इस पापड़ को व्रत में भी खा सकते हैं। और इसमें डालने के लिए हमने लिया है मूँगफली का तेल। तो चलिए चलते पहले आलू को हम पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आलुओं को पीस के तीन भागों में बांट लिया है, क्योंकि हम तीन तरीके के आलू के पापड़ बनाएंगे। हमने इनको कद्दूकस नहीं किया है, पीसने से ये बहुत अच्छे से बनते हैं। तो देखिए, पहले भाग में हम मिलाएंगे खड़ा जीरा और लाल मिर्च पाउडर जो हमने घर में बनाया है। आप इसको अपने आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, और नमक। और दूसरे हिस्से में हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और कसूरी मेथी। फ्रेंड्स, आप लोग ये पापड़ बना के खाइएगा, कसूरी मेथी का पापड़ बहुत अच्छा लगता है खाने में। और तीसरे भाग में हम डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए चलते हैं, इन सबको मिला लेते हैं। और मिलाने से पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जो हमने ऑयल ले रखा है, नट्स ऑयल। तो चलिए आपको हम मिला के दिखाते हैं फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अजवाइन को अच्छे से आलू में मिला लिया है, और कसूरी मेथी को भी अच्छे से मिला लिया है, और जीरा और लाल मिर्च को भी अच्छे से मिला लिया है। अब हम तीनों का पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले इनकी बनाएंगे गोलियां। और फ्रेंड्स, हाथ में बिल्कुल भी पानी लगा होना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे मॉइस्चर आ जाता है पापड़ के अंदर और पापड़ हमारे खराब हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं, फिर आपको पापड़ बना के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, गोलियां बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथ में ऐसे ऑयल को लगा लेंगे, और फिर जिस हिसाब से आपको छोटा बड़ा पापड़ बनाना उस हिसाब से ऐसे छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको पापड़ बना के दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पापड़ को फैलाने के लिए हमने ऐसे एक पन्नी लिया, इसको अच्छे से हमने धुल के साफ कर लिया है। तो चलिए पहला तरीका बताते हैं आपको पापड़ बनाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहला तरीका बताने के लिए। उसके लिए हमने ऐसे पॉलिथीन काट ली है, और ये पॉलिथीन थोड़ा मोटी होती है साइज में, और थोड़ा टाइट भी होनी चाहिए। तो इसको हम जो पॉलिथीन में इसको फैलाएंगे उस पर ऐसे रख लेंगे इसकी लोई, और फिर इस पर ये पॉलिथीन रख देंगे, और इसमें भी हमने ऑयल लगा रखा है, और फिर इसके ऊपर ऐसे रख देंगे छोटी सी कटोरी। तो इसको ऐसे से गोल गोल घुमा देंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो इस तरीके से पापड़ बहुत अच्छे से बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से पापड़ बन गया। अब तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरे तरीके से हम ऐसे पापड़ वाली बनाने वाली मशीन में बनाएंगे। तो इसके लिए भी हमने ऐसी पॉलिथीन ली है, और उसमें भी हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया जिससे हमारा पापड़ चिपकेगा नहीं। तो इसको ऐसे रखेंगे हम आटे की लोई, और इसको रख के और ऐसे दबा देंगे। तो इससे देखिए हमारा पापड़ बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप वो कटोरी वाला तरीका अपना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने तीन तरीके के पापड़ बना लिए, एक जो है जिसमें हमने कसूरी मेथी डाला है, और दूसरा जिसमें हमने अजवाइन डाला है, और तीसरा जिसमें हमने जीरा डाला है। और इसको हमने दो तरीके से बनाया है, एक कटोरी से और एक पापड़ बनाने वाली मशीन से। तो चलिए इसको सुखा के तब आपको दिखाते हैं अगले दिन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं, और ये कितने पतले बने हुए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो होली का सीजन आने वाला है, पापड़ बना के इस तरीके से जरूर ट्राई करिए। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।